माई चैनल द लास्ट डे ऑफ प्रैक्टिस। और जैसे कि आप आवाज़ सुन ही सकते हो, प्रैक्टिस चालू है और यहाँ पे बहुत बच्चे खेल भी रहे। और आज लास्ट डे, मुझे एक्चुअली हैप्पी भी फीलिंग आ रही है कि ये सब कुछ एंड हो रहा है, हमारा प्रैक्टिस खत्म हो चुका है, हमारा फाइनल डे आ रहा है जब भी हमको करना है। पर सैड भी फील हो रहा है कि अब इतने लोगों के साथ अटैचमेंट बन गई है, लाइक हर रोज आके प्रैक्टिस करने की, सो सैड भी फीलिंग आती है। या अभी प्रैक्टिस चालू है, अभी प्रैक्टिस चालू है, तब चलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। लेट्स गो। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है, माता जानकी, माता जानकी, प्रभु कब आएंगे मेरे राम। मेरे फूल को चलने के लिए कौन हो तुम? स्क्रिप्ट दे दो अगर चाहिए तो। मेरे प्रभु राम, राम राम, मेरे प्रभु राम, मेरे शबरी की कुटिया में मेरे प्रभु राम, मेरे वर्षों की तपस्या आज पूरी हुई राम, मेरे राम शबरी की कुटिया में पधारे हैं। इतने बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि जिस राम की बाढ़ बिहारते हैं, वे राम मुझ जैसी अयोग्य अज्ञानी शबरी के द्वार पर आए हैं। मेरे राम सत्य ही समदर्शी है। मैं अब आप कौशल्या माता की बना हुआ हाथों का बना हुआ खाना खाया लक्ष्मण के साथ आया नहीं, था। नहीं, जोड़ा ही परंतु यहाँ राक्षस राज रावण ने मेरी वैदनी को भर लिया। हम वन वन कैसी भक्त है, प्रभु को झूठे बेर खिला रही है। माता शबरी, मैं इस वन में अपनी भार्या एवं भाई लक्ष्मण के साथ आया था, परंतु यहाँ राक्षस राज रावण ने मेरी वैदेही को भर लिया। हम वन वन भटक रहे हैं माते। हाँ, पतंग मुनि ने बतलाया था कि आप माता सीता को ढूंढते हुए यहाँ शबरी के द्वार पर आएंगे, तो हे प्रभु आप ऋषि मुख पर्वत पर जाइए, वहाँ माता जानकी को लेकर अयोध्या लौटेंगे। आओ मथुरा आओ, कितनी प्रसन्नता का दिन है, आज मेरे राम का राज तिलक होने जा रहा है। लेकिन तुमने अपने केस क्यों बिखेरे? मेरी प्यारी मथुरा, मैं भरत के भविष्य को लोटती हूँ, तेरे नाक के नीचे से तेरा सेवा से घिना दुल्हे तो खुशी से फूल ही नहीं नमाती। ऐसे शुभ अवसर पर ऐसी अशुभ बातें जो कहना है स्पष्ट कह। मेरी प्यारी रानी, मेरी प्यारी रानी, अगर घर आपका लास्ट लुक हो तो तेरे भले का क्या होगा? बोलती हूँ मैं कौशल और तू कौशला की दासी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मंत्र, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। आज तू राधा से दो वरदान मांग, पहला राम को वनवास, दूसरा भरत के लिए लाडी। यदि तूने राम राम की शपथ तो उनको मानना ही पड़ेगा। I can't stop praying.